तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। फाइनली न्यू वीडियो आ चुका है और थैंक यू सो मच आप सभी का कि भाई इंस्टाग्राम पे आके मुझे कहते हो कि भाई वीडियो आ चुका है। इससे मुझे भाई इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, इसी कारण से सुबह जल्दी ही वीडियो आ जाता है। अगर आप नहीं बताते तो भाई मैं एक दो घंटा लेट हो जाता और इसी कारण से भाई सुबह भी वीडियो लेट हो जाता। ठीक है, तो ही भी को शुरू करते हैं आज के वीडियो। क्या कुछ कैसा होने वाला है वो तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। चलो साथ मिल के देखते हैं। ही भी को ओ भाई, इंट्रो कहाँ पर है? इंट्रो कहाँ पर है भाई? दिनों बाद देख रहा हूँ मैं आपको। आखिर आप चले कहाँ गए थे? कुछ नहीं, बस एक मर्डर केस के चक्कर में मैप से बाहर रहना पड़ा था कुछ दिनों के लिए, बस तभी गायब था। दिनों के लिए? अच्छा, अब समझा मैं आप कहाँ गए थे। हाँ तो अब समझ गया ना। चल अब जल्दी से ड्रिंक बना, बहुत दूर से आ रहा हूँ मैं। जी, समझ गया मैं, अभी बनाता हूँ, रुकिए। चलो ये लीजिए, आपका स्पेशल ड्रिंक रेडी है। टेबल पे चढ़ गए भाई, काउंटर पे चढ़ गए। वैसे आजकल तेरी ये जगह काफी ठप चल रही है क्योंकि पहले की तरह लड़कियां ही नजर नहीं आती। वैसे ये दोनों भी काफी बढ़िया हैं। सर जाने दीजिए, पहली बार आई हैं वो यहाँ पे, गुस्सा होके चली जाएंगी फिर। गुस्सा और मेरे से देखते जा। अरे भाई रॉकी एंड कार्लो वाज देयर, ओके आता हूँ मैं। बेटर बी केयरफुल, ये पक्का भगाएगा इन्हें। हे ब्यूटीफुल लेडीज, क्या हाल है, सब कुछ ठीक? अरे भाई अब तुम कौन हो भाई? मुझे अपना दोस्त समझ लो, क्या मैं तुम दोनों के साथ एक ड्रिंक पी सकता हूँ? अच्छा ऐसे फ्लर्ट किया था। अरे भाई मैं तो बहुत शरीफ सा बंदा हूँ यार, मुझे कुछ पता ही नहीं है। थैंक्स विक्टर। ये सब बकवास करके मेरा धंधा बंद करवाएगा, थोड़ी देर के लिए गायब ही हो जाता हूँ यहाँ से। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हें पता नहीं हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, चलो दफा हो जल्दी। मैं तुम दोनों से इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बेइज्जती करे जा रही हो। शायद तुम्हें पता नहीं है जिस एरिया में तुम बैठी हो वहाँ से उठा के ले जाऊंगा तुम्हें और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। नैना, मैंने ऐसे गुंडे बहुत देखे हैं। अच्छा तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो इग्नोर। हम तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, चलो अब निकल जाओ यहाँ से। लगता है तुम दोनों को अब यहाँ से उठा के ले जाना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, लगता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है रॉकी। हाँ, देखने से तो लग रहा है। लगता है तुम्हारे बात समझ नहीं आ रही है। चलो रॉकी उसे बचाते हैं, मेरा इतना मूड नहीं है हीरो बनने का, तुम जाओ बचाओ। हाँ ओए, क्या प्रॉब्लम है? जब एक बार लड़की ने मना कर दिया तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है यहाँ पे? वही तो। तू कौन है बे जो मुझे समझा रहा है, वो भी मेरे एरिया में? ऐसे एरिया मैंने बहुत देखे हैं और तेरे जैसे नमूनों को तो बहुत बार मारा है मैंने। अच्छा तो आप बोल। पर इसने तो गन निकाल ली, भागो यहाँ से। क्या कह रहा था? नमूना बोलेगा मुझको? तेरी तो, इस गन को हटा ले, तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। अब वे साले चुपचाप खड़े रहे वरना यही तो देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने तो पहले ही समझाया था लेकिन तू नहीं माना। चल अब यहाँ से कल्टी खा ले वरना तेरी यहाँ पेटी भी बन सकती है। चल निकल, तू यहीं पे बैठे रह 10 मिनट, मैं अभी आता हूँ भाई लोगों के साथ। हल्का होने के बाद कितना अच्छा लगता है। ये क्या, कस्टमर कहाँ गए सारे? आखिर इधर हुआ क्या? हाँ बुला लियो अपने दोस्तों को, मैं यहीं पे बैठा हूँ। लगता है कुछ तगड़ी फिल्म होने वाली है अब। ओ भाई चलो, काफी टाइम के बाद ऐसा देखने को मिला ना। भाई विक्टर का भाई गैंग तो है भाई। अच्छा तीन ही है? अरे ये तो गैंग ले आया पूरी, निकल लेता हूँ वरना मेरी पेटी बन जाएगी फिर में। भाई फिर से हल्का हो कौन गया। कौन है वो जिसने मेरे आदमी पे हाथ उठाया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? अच्छा ये बॉस। हाँ निकल। इस पूरे एरिया में किसी में भी दम नहीं कि हमारी ब्लैक कोबरा गैंग से भिड़े। ओह माय गॉड, किसने हमसे पंगा लेने की कोशिश करी? वो रहा बॉस, वो नीले बाल वाला, उसी ने मुझे मारा था। ओ अच्छा ये है, ठीक है फिर अभी इसकी पेटी बनाते हैं। क्या कहते हो रोकी, इनको ठिकाने लगाए? कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे सामने, कौन कौन खड़ा है वैसे? पहले ही बोला था इतनी मत पियो, अब चढ़ गई ना इतनी सारी। अच्छा। गन्स रेडी हैं? ठीक है फिर फायर करो। रोकी भागो वरना छेद दिए जाओगे।
भाई किंग तो है भाई, मानना तो पड़ेगा, विक्टर को मानना तो पड़ेगा। डरपोको बाहर निकलो, बचने वाले नहीं हो तुम दोनों आज। यार साउंड काम कर, कहां से आ रही इतनी तेज आवाज? म्यूजिक कौन चलाया था? ओहे म्यूजिक नहीं, गोलियां चल रही है बाहर। मैं कुछ होश भी है? कब तक छुपते हो? मैं भी देखता हूँ। ये लोग रिलोड कर रहे हैं, रॉकी सही समय है, चलो हमला करते हैं इन लोगों पर। रॉकी नहीं हो गया अब। अरे यार, अरे तुम इतनी जल्दी सो कैसे गए? वहाँ गोलियां बरसा रहे हैं और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। चलो उठो जल्दी, लगता है ये उठने वाला नहीं है। अब मुझे ही इन्हें ठिकाने लगाना होगा। निकल रहा है कि नहीं जल्दी बता, फायर करो। क्या हुआ, गोलियां खत्म? मुझे पहले ही लगा था ये पागलों की तरह गोलियां बरसा रहे हो, खत्म तो होगी एक टाइम पर। फिकर मत कर, गाड़ी में भर कर लेके आया हूँ बहुत सारी गोलियां तेरे को मारने के लिए। मगर तुझे रीलोड करने कौन देगा? ये क्या, एक की 47 भी काम नहीं आया? पिस्तौल ने वो काम कर दिया। दोनों की पेटी बना दी साले, तेरी तो कोबरा गैंग बाकी। क्या था ये भाई, क्या था और क्यों था? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इनको गन चलाने तक नहीं आती और मुझसे भिड़ने चले हैं कार्लो से। चलो बहुत खेल खेल लिया आज, अब निकलता हूँ इसको यहाँ से लेकर। आजकल क्या खाता है रॉकी, इतना भारी कैसा हो गया? भाई बाल की वजह से होगा, ग्रुप के जैसे तो कपाल है उसके। कार तो ओपी है भाई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं दादाजी को अपनी कमाल की पावर्स दिखाऊंगा। चलो अभी फिलहाल यहाँ से मुझे स्कूल तक भागना है, लगभग पूरा आधा एंगल मैप मुझे अपना बेस्ट देना होगा जिससे कि दादाजी खुश हो जाएं। ठीक है फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है अब मैं तैयार हूँ। चलो तो चलो फिर, अब ये फ्लैश बनेगा जाए अब। 1, 2, 3 ले। ओ भाई वो नाइस, सच में अच्छा डाला यार। भाई सच में सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोकर भाई, आपने हमारे घर फिर से बनवाए और हमें रहने का फिर से मौका दिया है रेंगल में। देखिए ये सब मत बोलिए, आप लोग सभी अपने ही हैं। कुछ पावरफुल लोगों की वजह से आप लोगों का घर टूटा और उस टाइम में उनको रोक नहीं पाया था, जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इसलिए मैंने फिर से सभी लोगों को बना के वापस करा घर। अब आप आराम से रह सकते हैं, पहले की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कुछ भी कहिए जोकर भाई, मगर आपने हमारे लिए सच में काफी किया है, उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब आप लोग अपनी फैमिली के साथ आराम से रहिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी तो हमारे लोग हैं यहाँ पे संभालने के लिए। ये क्या, आखिर इतनी तेज की गया कौन? लगता है ट्रेनिंग चल रही है छोटे साहब जादे की। खैर ये सब छोड़िए, मैं निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम और भी है बाकी जगह। ठीक है जोकर भाई। तो कैसा रहा दादाजी, मैं सही टाइम पे पहुंचा ना? तुमने 1 मिनट 30 सेकंड लिया यहाँ पे पहुंचने के लिए। क्या कहा, इतनी जल्दी? लगता है मैं पहले से काफी तेज हो गया हूँ। काफी स्लो हो तुम। क्या ये स्लो था? ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट था। तुम्हारे पापा ने पूरा मैप सिर्फ 1 मिनट में किया था। पूरा मैप भाई। एक सेकंड, क्या कहा आपने? 1 मिनट? 1 मिनट में कैसे हो सकता है पूरा मैप? वो भी तुम्हें और बेहतर बनने के लिए अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जी मैं समझ गया दादाजी।
मैंने सुना है कि तुम फायर अटैक काफी अच्छे कर लेते हो। हाँ आपने एकदम सही सुना है, फायर अटैक में तो मेरा कोई जवाब ही नहीं है, आपको पापा ने ही बताया होगा जरूर। ठीक है, एक बार तुम अपने फायर अटैक्स दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस तरह इस्तेमाल करते हो अपनी पावर्स। तो ठीक है फिर, मैं तैयार हूँ। बस इतना ही था। हाँ आपको स्पेशल अटैक्स दिखाए मैंने, कैसा लगा? एकदम बढ़िया ना। सच कहूँ तो काफी वीक लगे मुझे तुम्हारे ये अटैक्स। मैंने इससे कई गुना पावरफुल अटैक्स देखे हुए हैं। मेरे से अच्छा फायर यूजर कोई भी नहीं है सभी मैपों में, आपने किसका देख लिया अचानक? उसका नाम है फ्लेम डेड। अरे भाई मुझे कसम से लगा था, कसम से मैं बोला नहीं लेकिन भाई था मन में था, ठीक है निकलने वाला था लेकिन निकला नहीं, गलती मेरी है यार, मैंने बोला नहीं। फायर की बात हो रही है और फिल्म डेविल की नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है वाला, है ना? जिसने एक टाइम पर हमारे ग्रुप के सभी लोगों को लगभग मार ही दिया था, उसकी फायर पावर एकदम नेक्स्ट लेवल है और इसी चीज से उसको हराना लगभग नामुमकिन है। भाई एक टाइम का फेवरेट विलन है फ्लेम डेविल मेरा। फ्लेम डेविल लगता है आपका कोई पुराना दुश्मन है। था एक टाइम पर, मगर वक्त के साथ वो भी एक अच्छा इंसान बन गया। मैं उनसे जरूर मिलना चाहूँगा, आप मिलवाएंगे ना उनसे? हाँ किसी दिन मौका मिला तो तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। चलो अभी वैसे भी काफी टाइम हो गया है, घर के लिए निकलते हैं, अब बाकी ट्रेनिंग बाद में करेंगे। ठीक है दादाजी, चलिए चलते हैं। तो फाइनली वीडियो वाज ओवर और आज की इस वीडियो में कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ था, ठीक है। जो कुछ भी था मेरे लिए इनफ था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि भाई जो रेंडम सीन जो गैंगस्टर फाइट, अगर वहाँ पर कुछ और ज़्यादा बंदे आते तो मज़ा आ जाता, लेकिन बस तीन ही लोग आए थे विक्टर को इंक्लूड करके, और जो भाई रॉकी ने कारनामा किया है सो गया था दारू पी के, वो मुझे हंसी आई, ठीक है। बहुत ही रेंडम सा था लेकिन बहुत अच्छा था, ठीक है। कुछ कभी कभी न्यू भी ट्राई करना चाहिए, हमेशा फाइट 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 ये सही नहीं होता, ठीक है। तो भाई मुझे काफ़ी सही लगा, अगर मैं कहूँ स्टोरी वाइज तो भाई मैं 100 में 100 सभी चीज़ को 10 out of 10 ही दूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगा, ठीक है। सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हो सकता है आपको इसे देखने की आदत नहीं है लेकिन मैं हमेशा कुछ न्यू के बारे में सोचता रहता हूँ, तो जब मैंने ये देखा मुझे न्यू लगा और मुझे अच्छा भी लगा, ठीक है। ईवी को ख़त्म करते हैं, आई होप आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर देना क्योंकि अगला वीडियो आप देखोगे रिएक्शन मेरे साथ। ईवी गो बाय। हेलो दोस्तों लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।